हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं जीव विज्ञान प्रैक्टिकल के शेष प्रयोग जो रह गए हैं उसको। तो यहाँ पे आप प्रयोग क्रमांक 5 को देख सकते हैं, इसे आपको लिखना है। फिर उसके बाद उद्देश्य को आपको यहाँ तक लिखना है, जो बॉक्स बना रहा हूँ उसको बस। फिर यहाँ शेष जो है इसे नहीं लिखना है हमको। उसके बाद लिखना है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री के बाद इसको लिखना है पुष्प विभाग, पुष्प क्रम, पुष्प विभाग। फिर इन टॉपिक्स को आपको लिखना है, ये सब आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको इस चित्र को भी बना लेना है कोरे पेज में, ये सब आपको लिखना है। प्रयोग विधि भी लिख लेंगे। प्रयोग क्रमांक 6 ये आपको लिखना है। उसके बाद इसमें उद्देश्य लिखना होगा, उद्देश्य यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद शेष इधर है, इनको आपको नहीं लिखना है, जो काट रहे हैं इसको। उसके बाद यहाँ आपको आवश्यक सामग्री लिख लेना होगा, यहाँ इस प्रयोग विधि को नहीं लिखना है। और इन प्रेक्षण को भी आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ये केचुआ, इसके बारे में जो दिया है उसको लिखोगे, और फिर इस चित्र को कोरे पेज में आपको बनाना है। फिर तितली के बारे में जो दिया है उसको सबको लिख लेंगे, और फिर चित्र को बनाएंगे कोरे तरफ, इसे नहीं लिखना है, इसको भी नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आपको स्टार फिश के बारे में जो दिया है उसको लिखना है, चित्र को बनाना है। ये नीचे जो दिया है ये आपको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे किशोर की जो दिया है इसको आपको लिखना है इसे। और फिर ये जो डार्क फिश दिया है इसके बारे में लिख लेना है, और चित्र को फिर बनाना है कोरे साइड में, ठीक है। रोहू फिश है, इसको भी आपको लिखना है, और ये चित्र को बनाना है फिर। और उसके बाद यहाँ इसको नहीं बनाना है, और इसे बनाना है घरेलू चिपकली के बारे में लिख करके इस चित्र को भी बनाना है। कबूतर, कबूतर के बारे में जो दिया है उसको लिख लेना है, फिर चित्र को बनाना है। चमगादड़, इसको आपको लिखना है, और फिर इस चित्र को बनाना होगा। प्रेक्षण आपको नहीं लिखना। अब आते हैं प्रयोग क्रमांक 7, इसमें आपको उद्देश्य लिखना है। तो उद्देश्य ये इतना बस लिखना है उद्देश्य। उसके बाद शेष जो नीचे दिया है इनको आपको अभी नहीं लिखना है। फिर आप लिखेंगे आवश्यक सामग्री, और फिर प्रयोग विधि में आप जलकुंभी के बारे में जो यहाँ दिया है उसको लिख लेंगे, और फिर ये चित्र को बनाएंगे। वैसे ही यहाँ पे नागफनी पौधा का वर्णन करना है, फिर इस चित्र को बना लेना है। अब देखते हैं प्रयोग क्रमांक 8 को। प्रयोग क्रमांक 8 में उद्देश्य है ये, इस उद्देश्य को लिख लेना है। उसके बाद ये नीचे में क्रॉस कर रहे हैं इसको आपको नहीं लिखेंगे। आवश्यक सामग्री लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ प्रयोग विधि को लिखना है, देन इस चित्र को कोरे भाग में आप बना देंगे।
ये सब आपको यहाँ देखना पड़ेगा। दक्षिण को छोड़ देंगे, इधर सावधानियां लिखना है, फिर इसको नहीं लिखना। उसके बाद हम देखते हैं प्रयोग क्रमांक 9। प्रयोग क्रमांक 9 में ये उद्देश्य है, इसको लिखना है। उसके बाद इसे संरचना को नहीं लिखना है, इस भाग को भी नहीं लिखना है। फिर लिखना है यहाँ पे आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री हो जाने के बाद यहाँ आपको लिखना है इस प्रयोग विधि को। फिर उसके नीचे में आपको चना और सेम का जो वर्णन है उसको कर लेना है, और कोरे साइड में ये पूरे चित्र को बना लेना है। फिर इसका वर्णन है इसमें, उसको लिखना होगा। प्रेक्षण को इधर का नहीं करना है। उसके बाद उनके बारे में, तो अंकुरण में आपको इसका डेफिनेशन जो दिया है इसको लिख लेना है। फिर इस भाग को नहीं लिखना है। उसके बाद इसमें लिखना है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि के इन टॉपिक्स को लिख लेना है। फिर उसके बाद इस चित्र को, दिए गए चित्र को आपको बना लेना है कोरे साइड में। इस चित्र को आपको बनाना होगा। उसके बाद देखते हैं प्रयोग क्रमांक 10 को। प्रयोग क्रमांक 10 में ये उद्देश्य आपको लिखना है। उद्देश्य लिख लेने के बाद आपको इस शेष भाग को इधर नहीं लिखना। फिर लिखना है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में यहाँ पे उसके बाद प्रयोग विधि लिखना है। प्रयोग विधि के टॉपिक्स को लिख लेने के बाद इस चित्र को बनाना है। फिर उसके बाद है प्रयोग क्रमांक 11। प्रयोग क्रमांक 11 का उद्देश्य, उसके बाद इसे नहीं लिखना आपको, आवश्यक सामग्री लिखना है, इसको नहीं लिखना है। फिर लिखना है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में इन टॉपिक्स को आपको लिखना है पूरा, और फिर इस चित्र को आपको बना लेना है। आगे इन प्रेक्षणों को नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है सावधानियाँ, इस तरफ को नहीं लिखना है। इस प्रकार से जीव विज्ञान का प्रैक्टिकल हो गया। इसे आप अपने कॉपी में कंप्लीट लिख लें, और उसके बाद आप जब चेक करने के लिए बुलाया जाए तो लेकर के कॉपी को आएंगे।